नमस्कार, आप देख रहे हैं डी मैगजीन इंडिया। डी मैगजीन इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपको हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तराखंड में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो मन्नत मानी जाती है वो पूरी हो जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ मुर्दे जो हैं वो भी जीवित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। इस मंदिर का नाम लाखा मंडल मंदिर है। लाखा मंडल मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। ये इतना प्राचीन है कि पांडव भी यहाँ तपस्या करने आए थे। देहरादून से 128 किलोमीटर दूर और चक्राता से महज 35 किलोमीटर दूर है। गढ़वाल में मंसूरी यमुनोत्री रोड पर स्थित ये प्राचीन मंदिर यमुना नदी के तट पर है। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। पांडवकालीन ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर मुख्य शिवलिंग के साथ सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग हैं। इस मंदिर में इससे जो शिवलिंग है लाल रंग का है, इसकी भी एक अलग ही खासियत है। यहाँ माना जाता है जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। इसका मतलब जो स्वयं से प्रकट हुआ हो, कहीं से लाया ना गया। ऐसी मान्यता है कि दुर्योधन काल में यहाँ पर पांडव को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। अज्ञातवाद के दौरान युधिष्ठिर ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। मंदिर में रखी शिवलिंग को महामंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत व्यक्ति को शिवलिंग के सामने रखने के बाद पुजारी के अभिमंत्रित जल छिड़कने पर जीवित हो जाता है। कुछ पल के लिए जिंदा हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर गंगा जल को ग्रहण करता है और उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। हालांकि वर्तमान समय में इस मान्यता का कोई जीवित प्रमाण नहीं है। इस रहस्यमयी मंदिर की पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दो द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य से बना हुआ है। वहीं इस मंदिर के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आता है। महामंडेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्त के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात में मुख्य द्वार पर बैठकर शिवलिंग के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे एक साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।